नमस्कार दोस्तों, मैं एस पी निषाद और आप देख रहे हैं इंडिया दी बुशो न्यूज। दोस्तों, आप जो ये भगदड़ देख रहे हैं, जो भगदड़ मची हुई है, इसे विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपसे ये कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा में ज़्यादा लोगों को शेयर करें दोस्तों, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। अब आपको बताते हैं कि भगदड़ क्यों मची हुई है। आरटीओ और खनिज विभाग ने लिया एक्शन तो ट्रक चालकों में मच गई अफरा तफरी। जो आप देख रहे हैं, चारों तरफ दौड़ धाम मची हुई है। ट्रक चालक हैं ये, और जो ट्रकों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ब्रिज के ऊपर जो ट्रक खड़े हुए हैं लाइन से, आप देख सकते हैं इस पार से उस पार तक पूरा पुल जाम है। तभी आरटीओ और खनिज विभाग ने लिया इनके खिलाफ एक्शन। वही ये ट्रक छोड़कर जो है भाग रहे हैं चारों तरफ। तो ट्रक चालक जितने हैं वो सब जो है इस समय ट्रक छोड़कर भाग गए हैं, जो भागती हुए इनकी तस्वीरें आपने देखी है। आए दिन इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं ब्रिज में, और पूरा ब्रिज जो है ट्रक से भरा हुआ है, और ये टोटल लोडेड गाड़ी हैं। ब्रिज के ऊपर ट्रक खड़ा करने से जो दूसरे वाहन चालक है, छोटी गाड़ी वाले हैं, उनको बहुत ही परेशानी होती है, और यहाँ तक कि जो सुबह लोग घूमने के लिए आते हैं उनको भी बहुत ही परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ तो पूरे ट्रक ही खड़े रहते हैं। इससे ब्रिज को भी नुकसान है, क्योंकि ब्रिज के ऊपर इतनी ज़्यादा तादाद में लोडेड गाड़ी खड़ी करना ब्रिज के लिए भी हानिकारक है। तो आप जो तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर, जो भगदड़ मची हुई है, तो यहाँ पर जो बांदा आरटीओ ने आगे से छेक लिया इन्हें, तो ट्रक चालकों को ये पता नहीं चल रहा था कि हमें भागना कौन से साइड में है। ये सोच रहे थे कि फतेहपुर जिले साइड से आरटीओ की गाड़ी आई है, पर वो गाड़ी बांदा साइड से थी। बांदा आरटीओ और खनिज विभाग ने इनके खिलाफ एक्शन लिया और इन्हें छेक लिया, तो इनको भागने की जगह नहीं मिल रही थी। अब इनकी जो भगदड़ है वो उल्टा ही भाग रहे थे। सारे जो ट्रक चालक हैं, ट्रक छोड़कर बांदा की तरफ ही ये भाग रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दौड़ धाम मची हुई है, ये ट्रक छोड़ के सब भाग रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी, जिस तरह का एक्शन आरटीओ और खनिज विभाग ने इनके खिलाफ लिया है, क्योंकि आए दिन ट्रक ज़्यादा तादाद में इसी तरह जो है ब्रिज के ऊपर खड़े रहते थे। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस समय, उत्तर प्रदेश के बांदा जिला और यमुना चिल्ला ब्रिज की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर डबल ब्रिज बने हुए हैं, जो ये ट्रक खड़े हुए हैं, ये पहला नंबर का ब्रिज है जो जिस पे ट्रक ये लोग खड़े करते हैं। पहले भी बहुत सारी तस्वीरें इस तरह की देखने को मिली हैं, लेकिन इनका कहना था कि आरटीओ बीच पुल में नहीं लगता है, पर आज वो चीज़ देखने को मिल गई कि आरटीओ कहीं भी लगता है, बीच पुल हो या किनारा हो, कहीं भी आरटीओ आ सकता है। तो इनकी जो एक सोच थी वो गलत थी, और ये आज जो है बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर पकड़ी गई हैं और सीज की गई हैं गाड़ी यहाँ पर। लगभग जो है गाड़ियों का अंदाज़ा हम आपको एक बता सकते हैं, करीब 25 से 40 गाड़ी के आसपास हैं जो गाड़ियां यहां पे सीज की हुई हैं, और टोटल ये अंडरलोड ओवरलोडेड गाड़ी थी जो ये सब सीज गई। काफ़ी दिनों से ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही थी। तभी बांदा आरटीओ और खनिज विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया, साथ ही चिल्ला पुलिस प्रशासन भी उपस्थित रहा यहाँ पर, और एक एक गाड़ी को यहाँ चेक किया गया। इसके बाद में कि ओवरलोड है कि खाली है, सारी गाड़ियों की चेकिंग हुई। इसके बाद जो गाड़ी ओवरलोड थी उसको सीज किया गया, और बहुत सारी गाड़ियाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से लाइन से गाड़ी खड़ी हुई हैं। आज से पहले इतनी तादाद में ट्रक यहाँ पे कभी देखने को नहीं मिले, आज सबसे ज़्यादा तादाद में यहाँ पर ट्रक खड़े हुए हैं। और इस तरह ब्रिज में ट्रक खड़ा करने से कई यहाँ पे एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, आए दिन घटनाएं भी होती रहती हैं। इसी तरह से ट्रक खड़ा हुआ था और पीछे से एक बोलेरो ने ठोक दिया था, इस एक बच्चे की इसमें मौत भी हो गई थी, जो बच्चा पलटूपुर का था। और इससे पहले भी अभी अभी एक एक्सीडेंट हुआ था, जो सामने से ट्रक आता था और ट्रक वाले ने सीधा ही ट्रक पर ही ठोक दिया था। तो आए दिन इस तरह की घटनाएँ भी होती रहती हैं इस ब्रिज में। यहाँ पे दूसरी गाड़ी है जो जा रही है यहाँ पे, और आरटीओ की टीम यहाँ पे लगी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बांदा आरटीओ ने यहाँ सभी गाड़ियों को आज पकड़ा। करीब 2 से 3 घंटा हो गया यहाँ पे, और जो ब्रिज में जाम लगा हुआ था, अब जो है कहीं चेकिंग की प्रक्रिया
पूरी हुई है और गाड़ियों का जाना यहाँ से शुरू हुआ। सुबह से यहाँ पे 2-3 घंटों से जो है ये ब्रिज में जाम लगा हुआ है और पूरी तरह से ब्रिज बंद है क्योंकि यहाँ चेकिंग चल रही थी। आप देख सकते हैं कि कितना एक लाइन से जो है यहाँ पे ट्रक खड़े हुए हैं, इस पार से बीच पुल से उस पार तक पूरा बंद यहाँ पे और पूरी तरह से जाम है। और यहाँ तक कि सिंगल ही नहीं डबल लाइन भी यहाँ पे लगी हुई है ट्रक की, जिसके कारण जो है यहाँ पे जाम लगा हुआ है। जिला पुलिस प्रशासन भी मौजूद, RTO की गाड़ी भी मौजूद, ऑफिसर है यहाँ पे, पूरी टीम यहाँ पे 2 घंटे से जो है यहाँ पे चेकिंग चालू है। और यहाँ बहुत सारे ट्रक आज जो है पकड़े गए हैं ब्रिज में। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कुछ कम नहीं तो गिनती की जाए तो 20-25-30-40 भी ट्रक हो सकते हैं। आप मजाक समझ रहे थे जितने ट्रक चालक है और यहीं पे खड़े कर देते थे। डबल ब्रिज यहाँ पे बने हुए हैं और जो पहला ब्रिज है वो इस समय उसमें जाम लगा हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे ट्रक चालक हैं जो बैठे हुए। और बहुत ही तेज धूप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी जो है ब्रिज नंबर 1 पे यहाँ पे चेकिंग चल रही है और दूसरा ब्रिज है वहाँ से जो है गाड़ियों का आना जाना है। पहला ब्रिज अभी पूरी तरह से जाम लगा हुआ है, यहाँ चेकिंग यहाँ चल रही है क्योंकि ज़्यादा तादाद में जो है यहाँ ट्रक खड़े हुए देखे जाते थे पहले। और यहाँ पे भाई साहब खड़े हुए हैं, शायद देख सकते हैं कि धूप में कितनी देर से ये खड़े हुए हैं और परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। क्या नाम भी आपका? राम बहादुर। तो आपकी भी गाड़ी वहाँ फंसी हुई है क्या? नहीं, हम ईंट लेके आए। कहाँ से? बहुआ से। चेकिंग जो है कितने बजे लगी है कुछ मालूम है आपको? 2 घंटे हो गए। आपकी गाड़ी कहाँ है? पीछे लगी। अच्छा, पीछे आपको उसी ब्रिज से जाना होगा इसलिए जी। तो उससे भी जा सकते हैं ना, चेकिंग हो रही है ना। भाई साहब भी जो है सोच रहे हैं कि कब जाम खुलेगा और कब ये यहाँ से गाड़ी बढ़ाएंगे। और यहाँ से जो ब्रिज नंबर 2 है वहाँ से गाड़ियों का आना जाना चालू है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रक हमारे पीछे आ जा रहे हैं। करीब 2 घंटे से जो है ये जाम लगा हुआ है और यहाँ पे चेकिंग जो है चल रही है और बहुत ही सख्त चेकिंग चल रही है शायद, क्योंकि 2 घंटे से इतनी धूप में जो है वहाँ सभी ट्रक वाले खड़े हुए हैं। शायद चेकिंग की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। इस समय ब्रिज नंबर 1 पे हैं हम, यमुना ब्रिज पे, जो चिल्ला ब्रिज के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे करीब 2 घंटों से जाम लगा हुआ था और जो है अब जो है जाम खुल गया है। शायद पहली गाड़ी यहाँ से जा चुकी है और करीब 2-3 घंटों के बाद चेकिंग की प्रक्रिया जो है अब पूरी हो चुकी है और यहाँ से जो है गाड़ी निकलना शुरू हुआ है। एक गाड़ी जा चुकी है, अभी आगे हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो यहाँ पे बहुत सारे ज़्यादा मात्रा में ट्रक खड़े थे। और हमारे साथ में जो ट्रक चालक हैं अब ये जो फतेहपुर पार खड़े हुए थे वो सब लोग आ रहे हैं, पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरें, क्योंकि चेकिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो अब इनको थोड़ा सा ढाढ़स बंधा है कि भाई अब चेकिंग पूरी हो गई है, क्योंकि सुबह से 2-3 घंटों से ये बैठे हुए थे और धूप बहुत तेज़ है। इस समय हम ब्रिज में चल रहे हैं, धूप बहुत तेज़ है और करीब 11:30 से 12 बजने वाले हैं दोपहर को। पूरी तरह से दोपहर की धूप यहाँ पर लग रही है, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी तक सभी लोग बैठे हुए थे, जो ट्रक चालक है पीछे जो आप देख रहे हैं सबको। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं ब्रिज में जहाँ पे ट्रक खड़े हुए हैं और ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे ट्रक खड़े हुए हैं और सुबह से करीब 2-2.5 घंटों से जो है यहाँ ब्रिज बंद था। पहला जो है ब्रिज है वहाँ पे जाम जैसा लगा हुआ था क्योंकि ट्रक ज़्यादा खड़े हुए थे और चेकिंग चल रही थी, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो इस समय जो है उत्तर प्रदेश के बांदा चिल्ला पार है और हम चिल्ला ब्रिज पर यहाँ पर उपस्थित हैं। RTO को भी चैलेंज करते थे कि यहाँ पर कोई जो है RTO नहीं आ सकता है, फतेहपुर का RTO फतेहपुर के उस पार तक लगता है, बांदा का बांदा पार तक लगता है। पर आज जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ की बांदा RTO ने एक्शन लिया है इनके और बहुत सारे ट्रक आज जो है ब्रिज में पकड़े हुए खड़े, जो यहाँ पे लाइन से ट्रक खड़े हुए हैं और इनकी चेकिंग चल रही है और सभी का जो है चालान कटेगा या फिर इनकी गाड़ियाँ सीज होगी। जैसा जैसे अंडरलोडिंग होगी अगर, तो उसी तरह की कार्रवाई। सर जी से बात करेंगे कि लगभग कितनी गाड़ियाँ होंगी जो आज जो है यहाँ पे चालान कटा है। RTO की टीम ने आज एक कड़ा एक्शन लिया यहाँ पे, क्योंकि ब्रिज में आए दिन जो है ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे ट्रक खड़े रहते थे।